अस्सलाम वालेकुम। थ्री क्लास, ओपन योर बुक्स। द साइंस फैक्टर, यूनिट नंबर 3। द प्लांट वर्ल्ड, प्लांट वर्ल्ड, ये हमारी यूनिट नंबर 3 थी। इसके हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए थे, ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस की आपको डायरी दे दी गई थी। फर्स्ट 1 था, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो कौन सी थी, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, और उसके अलावा क्या था, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, और नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सेकेंड था जो मैंने आपको कल डायरी दी, हाउ डू फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ड्रॉ अ डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर। आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताना था और उसको किससे एलाबोरेट करना था, विद डायग्राम, डायग्राम से बनाकर उसको बताना था। तो डायग्राम से हमने आपको, मैंने आपको समझा दिया था कि हमने किस तरीके से वो ड्रॉ करनी है और फोटोसिंथेसिस का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया था टुडे। और थर्ड क्वेश्चन इज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट सो कूल, डू यू एग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। जी, आज हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलेटेड देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या है। यह थी आपका क्वेश्चन नंबर 3। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ वार्म गैस इफ प्लांट्स डिडंट टेक सो मच ऑफ इट एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड ऑक्सीजन, देन आवर प्लैनेट वुड बी टू हॉट टू सर्वाइव। जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उन्हें पूछा है कि आपके ख्याल में ये हॉट है या कूल है, तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एक गर्म वार्म गैस है। अगर प्लांट्स जो हैं, इफ़ प्लांट्स डिडंट टेक सो मच ऑफ इट एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड ऑक्सीजन, अगर प्लांट्स इसको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और फिर इसको एनर्जी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, देन और प्लैनेट वुड बी टू हॉट टू सर्वाइव, देन हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट, गर्म हो जाएगी और फिर उस पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ वार्म गैस इफ़ प्लांट्स डिडंट टेक सो मच ऑफ इट एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी एंड ऑक्सीजन, देन आवर प्लैनेट वुड बी टू हॉट टू सर्वाइव। ओके, इसके अलावा हमारा टेक्स्ट बुक पर कॉलम है, कॉलम मैचिंग ये भी आपने तैयार कर लेना। मैच द टर्म्स ऑन द लेफ्ट विद द डेफिनेशंस ऑन द राइट। जी, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, हमने इनको इनकी डेफिनेशंस के साथ राइट साइड पर मैच करने। फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ग्लूकोज, एंड लास्ट वन इज़ ऑक्सीजन। जी, फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या था, लास्ट ऑप्शन है कॉलम बी का, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपनी फूड की जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। सेकंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या था, लीव्स में मौजूद एक सब्सटेंस है जो फूड की प्रिपरेशन के दौरान यूज होता है। अ सब्सटेंस दैट टर्न्स सनलाइट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी यूज टू हेल्प मेक फूड, ये सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको वो जो एनर्जी है वो फूड प्रिपरेशन में यूज़ हो जाती है। थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, फर्स्ट वन के साथ मैच होगा। अ केमिकल दैट प्लांट्स टेक इन फ्रॉम द एयर एंड यूज टू मेक फूड, केमिकल है जो प्लांट्स जो हैं वो एयर की फॉर्म में अब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको फूड की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या था, प्लांट्स की बाई प्रोडक्ट थी, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्लांट्स अपनी फूड के तौर पे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, ये एक क्या है, अ टाइप ऑफ शुगर है ये। लास्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी गैस है, अ गैस दैट प्लांट्स गिव आउट एंड दैट ह्यूमंस ब्रीथ, यानी ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो पौधे गिव आउट करते हैं, यानी हमें जब रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स उसको रिलीज करते हैं और ह्यूमंस जो हैं वो उसको सांस के तौर पर यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। ओके, या आपने मैचिंग भी तैयार कर लेनी है। ओके, सो आज की आप लोग 3 क्लास डायरी नोट कर लेंगे, यूनिट नंबर 3 द प्लांट वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस कॉलम मैचिंग टू लर्न, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस कॉलम मैचिंग टू लर्न। ओके, ये आपने डायरी मिस नहीं करनी, ये डेली बेसिस पे तैयार करनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।